आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। कोल इंडिया के 46वें स्थापना दिवस पर रविवार को ईसेल मुख्यालय परिसर में ईसेल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने चालू वित्त वर्ष में कोयला उत्पादन तथा प्रेषण के मामले में कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले ईसेल के काफी पिछड़ा होने के साथ ही नकारात्मक वृद्धि दर्ज करने पर चिंता व्यक्त की। कहा, अतिवर्षा के कारण इस वित्तीय वर्ष में खुली खदान से उत्पादन काफी हद तक प्रभावित हुआ है, जबकि राजमहल क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण समस्याओं का समाधान न होने के कारण भी उत्पादन पर काफी बुरा असर पड़ा है। लेकिन उन्होंने वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों में परिस्थिति उत्पादन के अनुकूल होते ही सभी लोगों के कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ लक्ष्य को प्राप्त कर मिसाल कायम करने की उम्मीद जताई। इसके लिए उन्होंने सभी से अपने सभी कर्मचारी बंधुओं को इस मामले में हर वर्ष की तरह आखिरी महीनों में लंबी छलांग लगाकर इस चुनौती को पूरा करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न समयों पर खदान दुर्घटनाओं में मारे गए कोयला श्रमिकों की स्मृति में बनाए गए शहीद वेदी पर पुष्पांजलि के साथ ही की गई। फिर कोल इंडिया का झंडा फहराने के बाद कोल इंडिया का कारपोरेट गीत गाया गया। इस मौके पर ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा, निदेशक तकनीकी योजना परियोजना जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक कार्मिक विनय रंजन, निदेशक तकनीकी बी वीरा रेड्डी, ईसीएल के सीएमडी के तकनीकी सचिव नीलाद्री राय, निदेशक वित्त गौतम चंद्र दे, सीवीओ मुकेश कुमार मिश्रा, श्रमिक प्रतिनिधियों में इंटक के विमान बिहारी मुखर्जी, एचएमएस के अनंत कवि माधव बनर्जी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सीएमडी श्री मिश्रा ने कोरोना संक्रमण के दौरान राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाने के कारण सभी संगठनों के साथ ही ईसीएल को भी संघर्षरत रहने की बात कही। उन्होंने सभी से अपने अपने कार्यक्षेत्र में फिजूल खर्ची पर लगाम लगाते हुए कंपनी के आर्थिक सुधार करने में सहायक बनने की अपील की। कहा कि ईसीएल में भूमिगत खदानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें से अधिकतर नुकसान में चल रही है। हम सभी को संयुक्त प्रयास से इन खदानों को लाभप्रद स्थिति में लाने के लिए संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय कोयला उत्पादन तथा पर्षण को पर्यावरणीय अनुकूलता के अनुरूप करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिसके तहत ईसेल भी योजनाबद्ध तरीके से अपने बुनियादी ढांचे को और मजबूत एवं आधुनिक बना रही है। कंपनी फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी क्रमादेश के तहत पीट हेड से कोयला डिस्पैच पॉइंट तक अपनी कोयला परिवहन प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, तेज तथा पर्यावरण के अनुकूल बना रही है। इसके तहत सोनपुर बाजारी परियोजना में तीव्र भारण प्रणाली के साथ सती, हुर्रा सी एवं कुमारडी बी परियोजना में CHP आदि स्थापित किया जा रहा है। झांझरा भूमिगत खदान में उच्च धारिता वाला कन्वेयर बेल्ट लगाया जा रहा है। खूटाडी भूमिगत खदान में सतत कोयला कटाई मशीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार गैर परंपरागत अक्षय ऊर्जा के विकास को काफ़ी महत्व दे रही है। परिणाम स्वरूप ईसीएल भी सौर ऊर्जा के समुचित विकास के लिए प्रयत्नशील है। हमें ईसीएल को सौर ऊर्जा पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए 525 मेगावाट और सौर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के जरिए 1.571 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य लिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 35 मेगावाट सक्षमता संपन्न लैंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोरोना संक्रमण पर भी सभी से अपने कार्यस्थल तथा निवास स्थान एवं आसपास के इलाकों में इस संक्रमण से बचने के लिए सभी तरह के सुझावों का पालन करने तथा सावधानियां बरतने का आग्रह किया, ताकि इस कठिन संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। कहा कि कोरोना काल में जहां कंपनी के प्रत्येक कर्मी राष्ट्र की ऊर्जा आपूर्ति में समर्पित हो कोयला उत्पादन कर रहा है, वहीं उनकी अर्धगिनियों का समूह संस्था दिशरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल सामाजिक कार्यों में अपना अहम योगदान दे रही है। कोल इंडिया लिमिटेड के 46वें स्थापना दिवस तथा ईस्टर्न फोर्सेस लिमिटेड के भी 46वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय निदेशक मंडल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विभिन्न महाप्रबंधक विभागाध्यक्ष एवं मेरे अन्य सहयोगी साथीगण, विभिन्न श्रमिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, सुरक्षा के प्रहरी, सुरक्षा विभाग और सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे सभी सहयोग, यहाँ पे जो भी पूर्वांचल वासी उपस्थित हैं और जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं, मैं पुनः आप सबका एक बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इस दिवस की ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। हार्दिक अभिनंदन और सुचिंतकों को शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपका एवं आपके परिवार के सभी सदस्यों का जीवन सुख शांति एवं समृद्धि से परिपूर्ण करें, यही मेरी कामना। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समिरन राय रोड ऑपोजिट इन SBI बैंक आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 03412305017 या 9547356154। 12 बनी ब्लॉक के गोरंडी कोलियरी और खुलामुख खदान से, इन दोनों जगहों से मोहनपुर CISF अभियान चलाया गया, जहां से 13 मैट्रिक टन कच्चा कोयला जब्त किया गया। CISF के हेड कमांडर मिथिलेश कुमार के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। एक नवंबर को जामुड़िया बाजार क्षेत्र में जामुड़िया ब्लॉक 1 कांग्रेस ने कृषि बिल के खिलाफ जन जागरण एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहां उपस्थित रहे फिरोज खान पश्चिम बर्धवान यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, विश्वनाथ यादव PCC मेंबर ऑफ कांग्रेस जामुड़िया ब्लॉक 1, सोमनाथ चटर्जी एक्स माइनॉरिटी चेयरमैन जामुड़िया, लबीब खान और मोहम्मद शहजाद व अन्य लोग उपस्थित रहे। सांगतोड़िया फांडी के दीसरगढ़ नदी घाट बस स्टैंड पर रविवार को यात्री बिठाने को लेकर रविवार को टेम्पो चालकों ने एक मिनी बस मालिक की पिटाई कर दी। इस घटना के विरोध में मिनी बस चालकों ने आसनसोल दीसरगढ़ रूट पर मिनी बस का परिचालन ठप कर दिया, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। यहाँ बता दें कि यात्रियों को उठाए जाने को लेकर ही पूर्व में टेम्पो चालकों और मिनी बस चालकों में आए दिन हो रहे झमेलों के कारण मिनी बस मालिकों ने डीसरगढ़ और बड़ाकर रूट पर मिनी बस का परिचालन ठप कर दिया। अब नियामतपुर रूट पर भी यही दशा उभरती बताई जा रही है, जबकि बड़ाकर डीसरगढ़ रूट पर तो सिर्फ टेम्पो चालकों का ही राज है, जहां यात्रियों को प्रति यात्री 20 रुपये लिए जाने की शुरुआत यह कहकर की गई कि कोरोना को लेकर जारी निर्देश सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कम यात्री हैं उठाए जाएंगे, लेकिन समय मिलते ही भरपूर यात्री बैठा लिए जाते हैं। यात्रियों को अब ऐसी अवस्था में जाना पड़ता है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार को नियामतपुर जाने वाले यात्रियों को पुकार रहे टेम्पो चालक के साथ मिनी बस चालक मालिक की बकझक हो गई। इसे लेकर टेम्पो चालकों ने उक्त मिनी बस मालिक की पिटाई कर दी, जिससे माहौल में तल्खी बढ़ गई। सूचना मिलते ही मिनी बस चालकों ने डीसरगढ़ आसनसोल रूट पर मिनी बस का परिचालन ठप कर दिया। मामले को लेकर दिसरगढ़ नदी घाट बस स्टैंड पहुंचे INTTUC के संयोजक राजू अहलुवालिया ने कहा कि मिनी बस मालिक सरकार को राजस्व देकर रूट पर गाड़ी चलाते हैं, उनके सारे कागजात अप टू डेट रखने पड़ते हैं। लॉकडाउन में सबकी अवस्थाएं काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिलजुल कर कमाएं। हम चाहते हैं कि मारपीट ना हो। उन्होंने कहा कि हम यह चाहते हैं कि सब कुछ सिस्टम के तहत चले। इसे लेकर हम तृणमूल कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य पार्षद अभिजीत आचार्य से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि टेम्पो चालकों को रूट दिए गए हैं, वह अपने निर्धारित रूटों पर ही टेम्पो चलाएं, ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो और यात्री भी परेशान ना हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ टेम्पो चालक अपने दिए गए रूट को छोड़कर भी अन्य रूटों पर टेम्पो चला रहे हैं,
जिसके कारण इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। आज जो टेम्पो और बस के बीच जो मतभेद पैदा हुआ है उसके लिए आप क्या कदम उठाए? नहीं, उसके लिए हम लोग इसलिए आए, जिस जगह में आए, हमारा मिनी बस वर्कर, हमारा जितने यहाँ के लोग नेतृत्व सबको बोले हैं, इसके लिए बिमालदा से भी हम लोग बात करेंगे, यहाँ के काउंसिलर बप्पा दा है, बप्पा साहब आचार्य से बात करेंगे। विशेष ये बात है, हम लोग चाहते हैं सिस्टम से चले सब। मिनी बस जो वर्कर चला रहा है, बहुत आर्थिक अवस्था खराब है। सबसे बड़ी बात है कि मिनी बस जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है, पेपर सब अप टू डेट रहता है, इंश्योरेंस है, और अभी बहुत ही ज़्यादा खराब अवस्था, क्योंकि लॉकडाउन से 7-8 महीना गुजरा है, बहुत ही खराब अवस्था है। कुछ बीच में इस तरह का जो मतभेद पैदा हो जा रहा है, कुछ लोग ऐसा है जो मतभेद पैदा कर देना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ का जो नेतृत्व उनको बोले हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मिनी बस जिस तरह से चलता है और आज से नहीं, कई सालों से सेवा देते हुए यहाँ आ रहा है, मिनी बस जिस अपना रूट पर चले, ऑटो जैसे अपना रूट पर चलते चले, हम लोग को कोई असुविधा नहीं है, लेकिन मतभेद पैदा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई झमेला नहीं होना चाहिए। हम लोग जो चेष्टा कर रहे हैं, हमारी महामंडी मनुष्य नीति चेष्टा कर रहे हैं, बहुत से ऑटो चालक हैं जिसको गतिधारा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है, तो हम लोग रोजगार दे रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि लोगों को सेवा मिले, लेकिन इसका मतलब ये है कि श्रमिकों बस कर्मियों पर जुल्म हो, तो ये सूचना मिली थी इसलिए हम यहाँ आए हैं, बाकी देखते हैं। अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया है? बहुत लोगों का, अब अगर देखा जाएगा तो 1870 हम लोगों को रूट परमिट ऑटोमेटिक ऑटो का दिए थे CNG, इसमें से काफ़ी लोगों को ऑटो मिल चुका है गतिधारा के माध्यम से, बहुत से लोग ऑटो लेके आ रहे हैं, और अभी भी मेरे ख्याल से 1299 करीब 1300 और बेकार जो ऑटो चालक हैं उनको हम लोग CNG गतिधारा की गाड़ी जो है उनको मिलेगा, और हम लोग जो है चेष्टा कर रहे हैं कि हमारा जो गतिधारा का प्रकल्प हमारी नेत्री का जो गरीब बेरोजगार युवकों के लिए बनाया है उसका सबको लाभ मिले, चेष्टा कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी चाहते हैं सबके लिए रूट अलहदा कर दिया गया, बस की जगह पर चलेगी, ऑटो ऑटो की जगह पर चलेगी, लेकिन कुछ देखा जा रहा है कि कुछ लोगों को ऑटो ड्राइवर को ऑटो रूट मिला है, वो आपको जाके चीनाकोड़ी 2 नंबर रूट मिला, 2 नंबर से उनको सीतापुर मोड़ सभी मिला है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना रूट छोड़ कर बाहर रूट में चले जा रहे हैं। तो सबको अपने जिसको जो रूट मिला है, गतिधारा के माध्यम से गाड़ियाँ मिली हैं, रूट मिला है उनको, अपने रूट में हम लोग चलाने का आवेदन करते हैं, और अपना रूट छोड़ के बाहर ना जाएं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि त्यौहार खत्म होने के बाद ही इस पर हम लोग जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि सबको रोजगार मिले और सब शांति से जो रोजगार सबका चले, और जो यात्री हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, ये हम लोग चेष्टा करें। आपका नाम? राजू अलवालिया, संयोजक हैं INTTUC परिवहन संगठन। जामुड़िया के 6 नंबर बाईपास में जल टंकी के पास एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के मेंबर अभिजीत घटक ने किया। इस मौके पर श्री साधन रॉय, ब्लॉक प्रेसिडेंट जामुड़िया ब्लॉक 1, SK शानदार, ममूम राशिद, मोहम्मद मुजम्मिल अंसारी, मोहम्मद फरीद अंसारी सेक्रेटरी उपस्थित रहे। आसनसोल नगर निगम की ओर से सप्ताहव्यापी सैनिटाइजेशन अभियान के उद्घाटन नगर निगम में कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्य के श्रम व विधि न्याय मंत्री मलय घटक ने कहा कि दुर्गा पूजा व लक्ष्मी पूजा के बाद शहर को जीवाणु मुक्त करने के लिए आसनसोल नगर निगम की ओर से व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने कहा, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना महामारी के समय सड़क पर उतरकर जिस प्रकार साधारण मनुष्यों की मदद की, शायद कि किसी राज्य ने मुख्यमंत्री ने ऐसा किया होगा। वहीं पश्चिम बर्धमान के जिला शासक पुनेंदु मांझी ने कहा कि दुर्गा पूजा सभी लोगों ने मिलजुल कर खुशी पूर्वक पार कर दिया, काली पूजा व दीपावली भी खुशी पूर्वक पार करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी का बाधा नहीं बनना होगा। कोरोना महामारी काल में दिवाली के समय दिया बाती जमकर जलाएं, मगर आतिशबाजी ना करें। मौके पर नगर निगम प्रशासकीय बोर्ड के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने कहा, दुर्गा पूजा के समय प्रत्येक मनुष्य घर से बाहर निकला। बहुत से लोग जो दूसरे राज्य से दुर्गा पूजा के समय बंगाल में आते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सप्ताहव्यापी सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त सुकेश कुमार जैन, ADDA चेयरमैन सब विधायक तापस बनर्जी, प्रशासक बोर्ड सदस्य अमरनाथ चटर्जी, पूर्ण शशि राय, अंजना शर्मा, दिवेंदु भगत, मीर हासिम, श्याम सोरेन, अशोक रुद्र, पूर्व पार्षद श्रावणी मंडल आदि उपस्थित रहे।
अपर कुलटी में एक टीएमसी समर्थक की आत्महत्या के मामले में आरोपी भाजपा समर्थक एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर कुलटी ब्लॉक टीएमवाईसी की ओर से कुलटी थाना का घेराव किया गया। पार्टी के यूथ अध्यक्ष सुभाषिस मुखर्जी ने कहा कि कुछ भाजपा समर्थक कुलटी में दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करना होगा। उन्होंने कहा कि आत्महत्या के मामले में एक भाजपा समर्थक आरोपी बादल बावड़ी को शीघ्र गिरफ्तार करना होगा। प्रदर्शन के दौरान सुभाषिस मुखर्जी ने कुलटी थाना प्रभारी को भी नसीहत देते हुए कहा कि थाना प्रभारी को पुलिस वर्दी पहनना चाहिए एवं क्षेत्र में भी घूमना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को टीएमसी नेतृत्व की जानकारी करना होगा। यदि कुलटी में विधि व्यवस्था बिगड़ी तो इसका जिम्मेदारी कुलटी थाना प्रभारी की होगी। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पूर्व अपर कुलटी इलाके में एक टीएमसी समर्थक चंदन शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसे लेकर 4 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज की गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, हालांकि अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसे लेकर थाना का घेराव किया गया। इस अवसर पर पार्षद प्रेमनाथ साव महेश्वर मुखर्जी के अलावा इस अवसर पर संगठन के जिला महासचिव जतिन गुप्ता, रंजित राय, महिला नेत्री सोमा दास सहित काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महादलित परिसंघ ने कर्मवीर योद्धा सम्मान के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के चेयरमैन श्री जितेंद्र कुमार तिवारी, पूर्ण शशि रॉय, कल्याण दास गुप्ता, राजधारी प्रसाद, सीबू चौधरी, उमेश्वर लाल, बुम्मा मुखर्जी व कई अन्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र कुमार तिवारी बिना अपना वक्तव्य रखे ही लौट गए। विभिन्न कोरोना योद्धाओं को यहां पर सम्मानित किया गया। अतिथियों को उत्तरिया पहनाकर सम्मान दिया गया। भीमराव अम्बेडकर के फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। संगठन के लोगों ने सफाई कर्मचारियों की बातें रखी और एक होकर आवाज उठाने की बात कही। केएसटीपी एडीडीए आसनसोल नॉर्थ में विधि व श्रम मंत्री श्री मलय घटक और डेप्यूटी मेयर श्री तबस्सुम आरा की उपस्थिति में मेधावी छात्रों को प्राइज दिया गया।